नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और इस वक्त हम मौजूद हैं रोटरी क्लब के दिल्ली साउथ वेस्ट प्रोग्राम में, जहां पर रोटरी क्लब के द्वारा बहुत बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। एक गजल रखी गई है और यहां पे एक रोटरी क्लब का गेट टुगेदर रखा गया है, जिसके अंदर जो भी फंड्स रेज का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि रोटरी क्लब काफ़ी वर्षों से काम कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन के क्षेत्र में और कई क्षेत्र में रोटरी क्लब के द्वारा कार्यक्रम किए गए हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज रोटरी क्लब के मेंबर्स का एक गेट टुगेदर का आयोजन यहाँ पे किया गया है, और जिसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में द अर्थ सेवियर फाउंडेशन के कौन बनेगा करोड़पति के कंटेस्टेंट श्री रवि कालरा जी भी शिरकत करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। जी, आज ये बड़े गर्व की अनुभूति है कि रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ वेस्ट ने एक भव्य फंक्शन का आयोजन किया है, जिसका जो मेन उद्देश्य है वो फंड रेज करने का है। स्पेशली जो लिटरेसी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, और दूसरा डायलिसिस के ऊपर आपका एक सेंटर चल रहा है और उसकी एक्सपेंशन होनी है, वो नया भी बनने वाला है, तो उसके लिए सभी क्लब मेंबर्स से मिलकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें बहुत भावनाएं ये बढ़ेंगी कि सब लोग आगे आके निष्काम भाव से इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें और अपना मूल्यवान दान दें। तो इसके लिए मैं रोटरी क्लब के जो पास प्रेसिडेंट साहब हैं अजीत जलान जी, उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस फंक्शन के अंदर एज ए मुख्य अतिथि इनवाइट किया। हमेशा रोटरी बड़े बड़े काम जो है पार्टनर्स चाहिए होते हैं। रोटरी क्लब और रवि जी की संस्था अर्थ सेवियर फाउंडेशन, दोनों का उद्देश्य समाज के लिए उत्थान का कार्य करना है, और हम जब कोई बड़ा काम करते हैं तो एक और एक 11 होते हैं। रवि जी की संस्था के साथ मिलकर हम इस समाज सेवा के जितने भी कार्य हैं उसको हम और ऊंचाइयों पे पहुंचाना चाहते हैं। हमारे मेंबर्स हैं, हमारे जो ग्रुप हैं, हमारे सपोर्टर्स हैं, उनको इतनी शांति मिलती है वहाँ जा करके, इनका काम देख करके हमें कहीं ना कहीं हमें रोटेरियन बाय हार्ट ही लगे शुरू से। जैसे हम रोटेरियन हैं, हर सेवर भी हमें सर हमें रोटेरियन बाय हार्ट ही लगी। मैं अपने लिए कभी समय नहीं निकालते, अपने आसपास के लोगों के लिए समय नहीं निकालते। द फैक्ट दैट रोटरी डज सो मेनी गुड थिंग्स फॉर पीपल मेक्स देम वेरी 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 स्पेशल। ये जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है, ये सारा प्रोग्राम हमने अपने रोटरी क्लब दिल्ली साउथ वेस्ट को एनहांस करने के लिए किया है, क्योंकि हम काफ़ी काम करते हैं गरीब लोगों के लिए और बच्चों के लिए। डेस्टिट्यूट बच्चे जितने भी हैं उनमें हम अपना जितने भी ये बच्चे हैं उनको 10th 12th के जो ड्रॉप आउट्स हैं खासतौर पे, उनको हम अब पढ़ा रहे हैं, उनको अब सिखा रहे हैं कि किसी तरीके से उनको स्किल डेवलप करते हैं उनका, कि जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट हो उसमें उसको लगा के हम उसको कहीं ना कहीं जॉब भी अपने आप ही दिलवाते हैं। पिछले 3 सालों में हमने 248 बच्चों को इस तरीके से सेटल कर दिया है अभी तक, और ये हमने प्रोग्राम उसको फंडिंग करने के लिए किया है ताकि हम उससे भी डबल काम कर सकें। इसके अलावा हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है डायलिसिस का। डायलिसिस प्रोजेक्ट जो है हमारा, वो हम अभी लगा रहे हैं, वो भी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। ये हम रोटरी ब्लड बैंक की स्पेस है जो यहाँ पे अपना ओखला में है, जहाँ पे हम अपना डायलिसिस सेंटर लगाएंगे। और ये जो डायलिसिस सेंटर है, ये यहाँ पे भी जैसे अब आप ऑर्डिनरी किसी भी डायलिसिस सेंटर में जाएंगे, वहाँ पे एक बार डायलिसिस करने के लिए आपको 4500 रुपये तक का खर्चा आता है एक पेशेंट का, एक बारी का, एक टाइम का, जो कि उसको ऑलमोस्ट हर हफ्ते में 2 बार भी करना होता है, किसी को 4 बार भी करना होता है। और हमने उसको सब्सिडाइज करके
उन जो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको हम बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे दे रहे हैं, उनको कोई खर्चा नहीं करना, सारा खर्चा हम अपने आप उठाते हैं। और जो सक्षम है कुछ उनसे सिर्फ 800 रुपये लेते हैं चार्जेस और उससे ज़्यादा नहीं। कभी भी हमारे को कुछ भी डोनेशन देनी हो तो हमारा ये रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ वेस्ट है, इसमें आप इवन वेबसाइट पे चेक करेंगे वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, आप फेसबुक पे देखेंगे वहाँ पे भी मिल जाएगा, और नहीं तो आप डायरेक्टली हमारे मेंबर्स को आप कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपने कुछ इसमें आप कुछ भागीदार बनना चाहते हैं, जनरोसिटी करना चाहते हैं, कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तब भी आप मोस्ट वेलकम हैं। और इसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊंगा कि जो रोटरी है, रोटरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो यहां पे सिर्फ 7% तक का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, यानी कि अगर आपने 100 रुपये अभी दिया तो आपके 93 रुपीज़ लोगों के काम आ रहे हैं, क्योंकि हम अपना काम जो करते हैं यहाँ पे सब का सब वॉलंटरी है, हमारे को एक पैसा नहीं मिलता रोटरी से कि हमें यहाँ पे, मैं प्रेसिडेंट हूँ मेरे को पैसा मिलेगा, या इवन गवर्नर हैं उनको पैसा मिलेगा, किसी को एक पैसा नहीं मिलता, सब का सब ये हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, और वॉलंटियर्स अपने ही टाइम लगा के अपना पैसा लगा के काम करते हैं। इसीलिए किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे वहाँ पे आप 100 रुपये देंगे तो 40 रुपये तक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ जाती है, तो काम करने वाले जो लोग हैं जिनको पैसा पहुँचना चाहिए वहाँ पे 60 रुपये तक पहुँचेगा, हमारे यहाँ पे 93% तक वैल्यू, और उसको आपके पैसे को बिल्कुल सही जगह आप लगाएंगे और उसको काम करेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप रोटरी के साथ जुड़े। जो भी रोटेरियन जो है सेवा करते हैं समाज की, उसके अंदर जो है पैसों की ज़रूरत होती है, काफ़ी पैसे अपने से लगा लेते हैं लेकिन फिर भी जो है कमी जो पड़ती है उसके लिए फंड रेजिंग इवेंट किया गया है। ऐसा है कि रोटरी के दो प्रोजेक्ट नहीं है, रोटरी के कई प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि बच्चों को जो है शिक्षा देनी है, और उसके अलावा जो है स्कूल्स हमने अडॉप्ट किए हुए हैं, इस साल हमने 30,000 से ज़्यादा बुक्स जो है स्कूल्स की जो है फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पहली से पाँचवीं क्लास के लिए, और अभी जो है हमने जो है 100वां टॉयलेट जो है मैंने मेवात एरिया के अंदर इनाग्रेट किया, और फर्दर जो है उनकी ग्रांट जो है सेंक्शन हो गई है तो फर्दर उसके में कर रहे हैं। रोटरी गिफ्ट ऑफ लाइफ का जो बच्चों के अंदर दिल के अंदर होल होते हैं, सो उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम उनकी सर्जरीज करवाते हैं, सत्य साई ऑडिटोरियम है पलवल में, और उसके लिए एक ऑपरेशन थिएटर हमने जो लास्ट ईयर दिया बनवाया था, एक ऑपरेशन थिएटर आज हम वेटिंग लिस्ट ज़्यादा होते हुए आज हम एक दूसरा ऑपरेशन थिएटर वहाँ बना रहे हैं। और दिल्ली के अंदर स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है वे अभी मैंने पीछे इनॉग्रेशन की है, जिससे मनीष सिसोदिया जी भी आए थे, जिसके अंदर जो है CNC लेथ हमने लगाई हैं जो 62 लाख रुपये की एक लेथ है, और उसके साथ जो है वे FNB है जो भी, और साथ में वेल्डर्स की ट्रेनिंग है, स्टिचिंग की ट्रेनिंग है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक उनको इंश्योरेंस दी है कि 3 साल तक जो भी वहाँ से निकलेंगे उन सबको एम्प्लॉयमेंट हम देंगे। नहीं, रोटरी क्लब अपने आप में सक्षम है, जो है दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, और नेविगेटर से जो है हमारी 4-स्टार रेटिंग जो है कॉन्टीन्यूसली हमारी चल रही है, कि जिसके अंदर जो है कि टोटल ट्रांसपेरेंसी है, बाकी जो एसोसिएशंस हैं NGOs हैं जो पैसा लेते हैं उसके अंदर जो है 25% 30% उनके खर्चे होते हैं, हमारे टोटल खर्चे जो है वे मिला के जो है 3-4% है। ये जो डायलिसिस सेंटर का जो आज हमने प्रोग्राम करा है, ये हमारा एक फ्लैगशिप और एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जो हमने मंजरी को बुला के, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि हम फंड कलेक्ट करें और अपना डायलिसिस सेंटर और जो लिटरेरी सेंटर है उसको अच्छे से एक मुकाम दे सके। तो आज का जो प्रोग्राम है वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है हमारे रोटरी का, और ये हमारे फाउंडर्स खड़े हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करा है, और मेरे ख्याल से इससे बेटर कोई चीज़ नहीं हो सकती थी इस मुकाम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। देखिए, रोटरी में हम पब्लिक सेवा करने की कोशिश करते रहते हैं, उसके लिए हम एक लिटरेसी सेंटर चला रहे हैं, इसको चलाने के लिए हमें साल का 15-20 लाख रुपये चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हमने पैसा इकट्ठा किया है, इसको टारगेट पे पहुंचना है ताकि उसके इंटरेस्ट से चलता रहे, ऑटो मोड में डालेंगे फिर कोई दूसरा काम करने लग पड़ेंगे, ये चलता रहेगा। वेल, दिस वाज अ फंड रेजिंग प्रोग्राम फॉर आवर रोटरी लिटरेसी सेंटर एंड डायलिसिस सेंटर, एंड आई थिंक वी हैव कलेक्टेड इनफ फंड्स टू प्रूव दैट दिस इफ देयर इज अ कॉज द फंड्स कैन बी कलेक्टेड एंड देयर आर डोनर्स देयर अवेलेबल
who can always give donation for a cause. And I think we have done wonders today, and we'll be doing these wonders every years to come, in the few years to come. Good evening, friends. I am Rotarian Vikas Jingra from Rotary Club of Delhi Southwest. We are holding this event on some cause. We have two causes. One, education. The project is Rotary Literacy Center, and other is dialysis. Education is the must requirement. So, इसके लिए हमारे पास हमारा एक प्रोजेक्ट जो ये सफदरजंग एनक्लेव में हिमायूपुर में है, जिसमें हम जो गरीब बच्चे हैं, जैसे बिलो पावर्टी लाइन, उनके बच्चों के को हम 12th के बाद जो ड्रॉप आउट होते हैं, तो हम उनको फर्दर ट्रेन करते हैं और उनकी फिर आगे प्लेसमेंट कराते हैं। अगर सपोज मेरा कोई सर्वेंट का बेटा वहाँ पढ़ने आता है, वो सर्वेंट मेरे से 12,000 लेता है, तो उसको हम इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो आने वाले टाइम में 6 महीने 3 महीने का जो हमारे पास कोर्स करते थे, तो एट ए लेटर स्टेज वो अपने घर में 15,000 रुपये कमाना स्टार्ट कर देता है। इनिशियली 10,000, 1-1.5 साल में ट्रेनिंग के बाद वो 15,000 रुपये कमाना, तो उस घर की इकोनॉमिक्स पूरी चेंज हो जाती है। आज हम रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ वेस्ट के प्रोग्राम के लिए यहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। ये प्रोग्राम नोबल कॉज के लिए हो रहा है। ये फंड रेजिंग प्रोग्राम है जिसमें हम रोटरी लिटरेसी सेंटर खोलना चाहते हैं और डायलिसिस सेंटर खोलना चाहते हैं। इसकी शुरुआत हमारे ही मेंबर ने की थी, सुनीता वर्मा जी ने। इन्होंने एक छोटे स्केल पे एक जगह ली थी और वहाँ पे मेड्स के बच्चों को खिलाना शुरू किया था, सिखाना शुरू किया था, उनको ट्रेनिंग शुरू करके दी थी। धीरे धीरे उस प्रोग्राम को बढ़ा किया गया, हमारे रोटरी क्लब को हमने उसको एसोसिएट किया इनके प्रोग्राम के साथ और उसको स्त्री बल का नाम देकर उसे शुरू किया। नमस्कार, मैं साउथ वेस्ट की मेंबर सुनीता वर्मा, और ये जो आज कॉज हो रहा है नोबल कॉज, ये हमारे लिटरेसी सेंटर को और आगे बढ़ाने के लिए है, और हम बहुत खुश हैं कि हमारा क्लब आज इस पड़ाव पे पहुंचा कि बच्चे आगे बढ़ के अपने पैरों पे खुद खड़े हो रहे हैं, और जिनको मतलब कोई स्कोप नहीं था कि 12th के बाद वो क्या करे, तो इस और इसको आगे बढ़ाने के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया, और हम बहुत खुश हैं कि लोग आगे बढ़कर आए और उनके इस नोबल कॉज के लिए उन्होंने डोनेट किया। नमस्कार, मैं रोटरी क्लब साउथ वेस्ट के मेंबर हूँ, और मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और ये जो लिटरेसी सेंटर चल रहा है उसमें हम लोगों मतलब मेंबर्स ने काफ़ी काम किया है। यहाँ से एक लड़का अकाउंटेंट के लिए हमारे ऑफिस में काम करता है, और उसको अकाउंट्स जो हैं यहीं से सिखाया गया है, और इस नोबल कॉज के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं कि ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें। हमारे दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक डायलिसिस सेंटर बन रहा है हमारा, एक लिटरेसी सेंटर जो कि ऑलरेडी चल रहा है। लिटरेसी सेंटर में हम सब जगह आसपास के जितने भी बच्चे हैं जो 10th 12th के बाद कॉलेज नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, उनको हमने तैयार करना है फॉर जॉब, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं उसके लिए।